अभी रात के 1 बजे हैं, 1:15। अभी मैंने मैसेज किया, सो रहे थे क्या? 4 लोगों का मैसेज आया, बाकी क्या कर रहे हो? सो रहे हो? जो सिलेक्टेड हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। चलो ठीक है, 8-10 लोग जो सिलेक्ट हो गए सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? चलो मैं ये भी बोलता हूँ, आप में से 2-4 मैरिड हैं उनको भी छोड़ देते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? आप सो रहे हो, नींद कैसे आती है यार आपको? मतलब कैसे ऐसी चैन की नींद मतलब सो पाते हो? मतलब मुझे समझ नहीं आता, मुझे भी बताओ यार, मुझे भी चैन की नींद सोनी है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है। जब जब मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं होते हैं ना, तो मुझे चैन की नींद नहीं आती है। वो दवाई खा खा के जो नींद आ रही है ना, बस वही वही है मेरी नींद। उसके अलावा तो मुझे कोई नींद नहीं आती। मुझे बस यही रहता है कि यार क्यों नहीं हो पा रहे हैं सिलेक्ट, ऐसी क्या कमी कर दे रहा हूं मैं, या ऐसी क्या कमी कर दे रहे हो आप कि सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो? एक सवा एक बजे मैसेज, यार जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है आप अभी सो रहे हो तो क्या दूसरा कोई, हर कोई, हर हर इंसान सो रहा होगा अभी? बहुत लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अभी, बहुत लोग, आपको नहीं पता है आप किस कंपटीशन के लेवल, कौन से मतलब जिंदगी में जी रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता यार। ऐसे कंपटीशन की फाइट करोगे आप लोग? कंपटीशन का मतलब समझ रहे हो? कंपटीशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है कंपटीशन का मतलब? दूसरे से अपने आप को बेहतर साबित करना, वो होता है कंपटीशन। ऐसे साबित करोगे अपने आप को? एक रिजल्ट नहीं अगर क्लियर होता है ना, तो दिन और रात चैन पूरा, नींद पूरा, सब कुछ हराम हो जाती है यार। कि मतलब क्यों नहीं हुआ क्लियर, क्यों नहीं हुआ क्लियर? आप लोग सो रहे हो कैसे? कैसे सो जाते हो यार? कैसे नींद आ जाती है आप लोगों को? क्या आपके घर में इतना मतलब पेरेंट्स ने इतना क्या कमा लिया है आप लोगों के लिए कि आपको जरूरत नहीं है कि खुद कुछ कर लें? या फिर ऐसा है कि हाँ भाई ठीक है, शादी हो जाएगी तो पति सब कुछ कर लेगा, हमको क्या करना है, हमको तो हाउसवाइफ बन के रहना है, यही चाहते हो आप लोग कि खुद कुछ करना चाहते हो? जो भी लोग यहां पर ये सोच रहे हैं ना कि 1 बजे सर सोने का टाइम होता है, किसने बोला, कहाँ लिखा है ऐसा कि 1 बजे सोने का टाइम होता है? कहाँ लिखा है? मुझे मुझे वो प्रूफ दे दो कि 1 बजे सोने का टाइम होता है, इस टाइम पे सोया जाता है। कहाँ लिखा है ऐसा? कहीं नहीं लिखा। ये हमारी मेंटेलिटी है कि रात को सोना होता है, दिन में काम करने होते हैं। इस चीज को आप चेंज भी कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो चेंज? दिन में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने सारे, दिमाग खराब होता है, घर के काम, ये काम, वो काम, दुनियादारी के काम। उस टाइम पे पढ़ाई करो ना, जब आपके पास फ्री टाइम हो, जब आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। क्या हो जाएगा? थोड़ी सी नींद खराब खराब हो जाएगी, और क्या होगा? उससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या ही हो जाएगा? थोड़ा कम सो लोगे, नींद आती रहेगी, ठीक है, मुंह धो धो के पढ़ लो यार। कब तक? जिंदगी भर थोड़ी पढ़ना है, थोड़ा समय ही तो पढ़ना है ना। 1 साल 2 साल मैक्स टू मैक्स 3 साल। क्या आप चाहते हो कि आप भी उन स्टूडेंट्स की तरह बनो जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं सर 6 साल से तैयारी कर रहे, पजल्स नहीं बनते टाइम पे? क्या आप भी उनकी कैटेगरी में आना चाहते हो, या उनकी कैटेगरी में आना चाहते हो जो बोल रहे हैं कि सर 3 साल हो गया प्री क्लियर नहीं हो रहा है, सर 2 साल हो गया प्री क्लियर नहीं हो रहा है, उनकी कैटेगरी में आना चाहते हो? कुछ सोच के मैंने आप लोगों को सिलेक्ट किया था, कुछ सोच के कि हाँ इसके अंदर एक कैलिबर है, हाँ ये कर सकता है या ये कर सकती है, इसीलिए मैंने आपको सिलेक्ट किया। 26,000, 26 मतलब बोला जाए तो 2,60,000 लोगों में से मैंने ये 26 लोगों को सिलेक्ट किया। क्यों? मुझे आपके अंदर वो जुनून दिखा कि हाँ आप कर सकते हो, आप रेगुलर हो, पर उस चीज को साबित तो आप ही को करना है। ऐसे कैसे चलेगा यार? मतलब किस तरीके से आप जीवन अपना जी रहे हो? या तो छोड़ दो ना फिर ग्रुप, सीधा मुझे बोल दो सर नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते। मेरा नाम तो खराब मत करो ना कम से कम, क्योंकि आप लोगों के नाम के पीछे ना मेरा नाम जुड़ा हुआ है, स्पेशल 26।
मुझसे लोग पूछते हैं सर स्पेशल 26 में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, मैं क्या जवाब दूंगा? आपसे कोई पूछे ना पूछे मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। मुझसे लोग पूछते हैं सर स्पेशल 26 में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, क्या बोलूं मैं उनको? 8 लोगों का, 10 लोगों का, बाकी के 16 क्या कर रहे थे? सो रहे थे। वो तो सो रहे हैं यार, उनको नींद आ गई थी, सो रहे थे। और यहां मार्क्स अगर मैं अभी बात करूंगा, अगर आप लोगों के मार्क्स की, सबके मार्क्स मैंने देखे हैं, काफी लोगों के तो चलो ठीक है मानता हूं 2-4-5 नंबर से रुका है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 2-4-5 नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। आने वाले समय में SBI क्लर्क का जो पेपर आने वाला है, मैं गारंटी देता हूं 2-4-5 नंबर तो आपके बढ़ जाएंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन जो लोग 40 नंबर 45 नंबर 50 नंबर ला रहे हैं, क्या सोचकर पेपर देने गए थे या क्या सोचकर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो? 100 में से 50 नंबर नहीं ला पा रहे हो यार, मतलब खुद से इतनी तो मेहनत कर सकते हो ना कि आधे नंबर तो खुद के दम पे लाओ। हर टॉपिक मैंने पढ़ाया है, प्रीलिम्स में ऐसा क्या ही आ जाता है? क्लेरिकल का प्रीलिम्स आप पेपर उठाकर देखो, इतना हलवा पेपर होता है, उसमें भी आप मतलब आधे नंबर भी नहीं ला पा रहे हो, 50 नंबर नहीं आ रहे आपके। अटेम्प्ट बोलते हो सर 70 करके आए, 80 करके आए, 70-80 अटेम्प्ट करके आप 60 नंबर ला रहे हो, ये एक्यूरेसी है आपकी? खुद में थोड़ी सी शर्म करो यार, थोड़ा सा सोचो। मुझे ये चीज बोलने पर मजबूर कर रहे हो आप लोग, पता है मुझे अच्छा नहीं लगता किसी को बोलना, किसी को सुनाना, किसी को भी बोलना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लाइफ आपकी बनेगी, मेरी नहीं बनेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका गाइड हूं, था, हूं और रहूंगा, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किस चीज की कमी है मुझे बताओ, पर्सनल मैसेज करो मुझे, क्या चीज की कमी हो रही है आपको? ये मत बोलना सर पजल नहीं बनते क्या करें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सर स्पीड नहीं आ रही क्या करें? मेहनत करो यार, मेहनत करो, और क्या करना है? अलग अलग तरीकों से सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने की कोशिश करो, और क्या करोगे? ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं आती बाबा रामदेव की, जो जड़ी बूटी आप खा लोगे और कल से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करने से ही लाइफ में सक्सेस मिलती है, तो सोचना तो आप ही को है ना। मैं सिर्फ समझा सकता हूं, मैं सिर्फ बोल सकता हूं, मैं सिर्फ आपके लिए, आप जो बोलोगे कि हाँ सर ये नहीं हो रहा, मैं उसके लिए हेल्प कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, करना आप ही को है। मैं सिर्फ आपके पीछे खड़ा हूं आपको एक सपोर्ट देने के लिए। हो सकता है किसी के घर में सपोर्ट नहीं मिलता है, मैं वो सपोर्ट बन के खड़ा हूं कि हाँ मैं हूं आपके पीछे, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मैं हूं आपके पीछे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पिलर जो होता है ना, सपोर्ट वाला पिलर, वो मैं हूं, सिर्फ मैं वही बन सकता हूं और कुछ नहीं बन सकता हूं, करना आप ही को है। आप अगर पूरा मेरे ऊपर भरोसा करके बैठ जाओगे ना कि हाँ सब कुछ तो सही कर देंगे, मैं आपके बदले पेपर देने नहीं जा सकता दोस्तों, इस चीज को समझो। सब कुछ मैं कर सकता हूं आपके लिए, लेकिन आपके बदले मैं पेपर नहीं दे सकता, वो देना आप ही को है। तो समझिए क्या चीज आपके अंदर कमी है, किस चीज की कमी है, क्या नहीं समझ में आ रहा, पूछो ना। चैट ग्रुप में फलाना ढिमका इतनी बातें होती, कभी देखे हो मुझे चैट ग्रुप में आते हुए? कितने बार देखे हो? हफ्ते में एक आध बार आता हूं 2-4 मिनट के लिए, उससे ज्यादा मैं कभी नहीं आता चैट ग्रुप में, कभी देखे हो मुझे? मेरे पास तो फालतू टाइम है बहुत सारा है, पढ़ाने के बाद अलावा उसके अलावा मेरे पास क्या काम है? मेरे पास कुछ काम नहीं है। जितने टाइम मुझे क्लासेस लेनी होती है बस, आपको ऐसे ही लगता होगा कि हाँ सर तो फ्री रहते हैं, सर तो फ्री रहते हैं, सर तो 8 घंटे की क्लास लेते हैं, बाकी टाइम तो सर का फ्री रहता है, 16 घंटे तो फ्री है वो। कॉल नहीं करता हूं मैं लोगों को, कई लोग बोलते हैं सर कॉल नहीं किए, मैं बिजी हूं, मैं कॉल नहीं करता। क्यों? मैं कुछ काम कर रहा हूं उस टाइम पे। क्या काम कर रहा हूं? मैं हर किसी को बताता नहीं हूं मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा होता हूं उस समय, कुछ ना कुछ मैं कर रहा होता हूं, ऐसा नहीं फालतू बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, दिन में 1-2 घंटा मैं अपने आप को देता हूं, अपनी फैमिली को देता हूं बस। मेरे फैमिली में आके कभी पूछ लीजिएगा कि कितना समय आपके साथ बैठता है आपका बेटा, या मेरी वाइफ से पूछ लीजिएगा कितना टाइम बैठता है आपका पति आपके साथ में, पूछ लीजिएगा कभी। 1-2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा, पूरे 24 घंटे में मैं 3 घंटे से ज्यादा अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता हूं। बाकी पूरा का पूरा जो टाइम होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ होता है आप लोगों के लिए। उसके बावजूद आप लोग ये चीज कर रहे हो यार, किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने? मैंने ऐसा क्या कमी छोड़ दी आप लोगों के इस ग्रुप में? मैंने क्या चीज की कमी छोड़ दी? इतने क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए फ्री में, इतने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, इतने क्वेश्चंस जिसके लिए लोग 1000-1000 रुपए देते हैं टारगेट बैच में। पूरा टारगेट बैच मैंने सबको फ्री में दिया।
कितनी देर प्रैक्टिस करते थे खुद से, जो सर ने दे दिया बस उतना कर लेते हैं, हाँ ठीक है बस हो गया ये। अपना समय निकालो दोस्तों, जो फालतू का समय आप लोग इधर उधर वेस्ट कर रहे हो ना, वो उन समय को समझना सीखो। मेरी आज की डेट पर कोई दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जब मुझे सिलेक्शन चाहिए था ना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, कोई दोस्त काम नहीं आता। यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे सर दोस्त ही तो है, दोस्त ही तो काम आते हैं। घंटा कोई दोस्त काम नहीं आता, कोई दोस्ती यारी कुछ काम नहीं आता। जो है वो आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हो। फैमिली में जो दुनियादारी के लोग होते हैं ना, कोई काम नहीं आते। सिर्फ आपके जो पर्सनल आपके आसपास वाले 2-4-6 लोग हैं ना, बस वही काम आते हैं। उनसे मतलब रखो, उनको समय दो, बाकी लोग गए भाड़ में। उनसे क्यों मतलब रख रहे हो? क्यों उनको इतना टाइम दे रहे हो? क्यों उतना इंपॉर्टेंस उनको दे रहे हो जो आपकी लाइफ में आगे जाकर कुछ नहीं कर सकते? वो कुछ नहीं करेंगे आपके लिए, वो सिर्फ आपको एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। काफी लोग बोलेंगे सर सब मुझे नहीं समझ में नहीं आता, मुझसे जल्दी जल्दी चीजें सॉल्व नहीं होती। क्यों? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पर काम करो ना यार। दिमाग तो एक है, दिमाग एक है, मैं ये नहीं बोलूंगा हर किसी का सेम है, लेकिन दिमाग तो एक ही है ना, उसको यूज करने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। समझो ना, कब समझोगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो समझना पड़ेगा। समझो ना, आप ही का दिमाग है, मेरा नहीं है वो। मेरा दिमाग जैसा था, मुझे समझना पड़ा उस चीज को। मैं मैथ्स में जीरो डब्बा था, जीरो जीरो एकदम जीरो, कुछ नहीं आता था। आज की डेट पर कर रहा हूं ना, हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जीके में डब्बा था, फिर भी 25 नंबर लेकर आया था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 40 में से। कैसे लेकर आ गया? मेहनत की मैंने, मुझे पता था यार मुझे सिलेक्शन चाहिए, मजबूरी में किया था, शौक से नहीं किया था। मेरी मजबूरी थी कि मुझे एक जॉब चाहिए थी, गवर्नमेंट जॉब, मजबूरी थी, मैं तो मजबूरी में कर रहा था। आप लोग तो यार शौक से कर रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? जो भी प्रॉब्लम है ना अपनी पर्सनल, सारी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, पर्सनली मुझे आप लिखकर भेजिए। जितने भी स्पेशल 26 के ग्रुप के जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, सभी को बोल रहा हूँ पर्सनली मुझे मैसेज करिए। हो सकता है मैं आपका मैसेज एक हफ्ते बाद पढ़ूं या 10 दिन बाद पढ़ूं, पर ये नहीं कि बार बार मैसेज कर रहे हो। एक बार आप एक पूरा मैसेज लिखो, जो लिखना है अपना पूरा, जो भी प्रॉब्लम है ना सब एक बार में लिखो और मुझे भेजो, मैं पढ़ूंगा। चाहे एक हफ्ते बाद रिप्लाई करूं, चाहे 15 दिन बाद रिप्लाई करूं, मैं करूंगा जरूर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 400 मैसेजेस पेंडिंग है। तो ये मत सोचना कि मैं कल आपको रिप्लाई दे दूंगा, मैं रिप्लाई दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि एक हफ्ता लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है कि कल सुबह, या हो सकता है अभी तुरंत रिप्लाई मिल जाए। पर ये मैसेज करो अभी, जब भी आप ये वॉइस मैसेज सुन रहे हो, जितने भी स्पेशल 26 के स्टूडेंट्स हैं, जो भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, हाथ पैर जोड़ रहा हूं आपके, जो भी प्रॉब्लम है ना बोल दो मुझे, ताकि मैं उसका कुछ आपको सॉल्यूशन बता सकूं। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। आप नहीं चाहोगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या, भगवान भी आ जाएगा ना तो भी कुछ नहीं होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ऑल द बेस्ट।